आई हो यार, बोल रहा हूँ चादर वदर सर पे ना चढ़ जाए ठंडा। हिम्मत नहीं होती है, पेट इतना बढ़ गया है ना, बैठने की हिम्मत होती है ना, बोलने की हिम्मत होती है, सांस चढ़ने लग जाती है। तो बस वेलकम आपका मैंने कर दिया। तो गाइस दवाइयां देख लो पहले, मेरी इतनी सारी दवाइयां हो गई है क्योंकि इसमें खांसी की ऐड है, आयरन ऐड है, मेरी लीवर की ऐड है, और इसमें ये फॉलिक एसिड, मतलब इतनी सारी गोलियां हो गई है मेरी अब एक टाइम की। अब मैं सुबह की खा रही हूँ, शाम की पता नहीं कब खाऊंगी। ज्यादा हो रहा है क्या? तो गाइस पिछले 15 मिनट से ना पान को ऐसे हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैंने इसको बोला रेस्ट कर रेस्ट कर, अभी लेटी हुई थी बाहर आई, घबराहट सी हो रही है, घबराहट। खिड़की खोल दूं? है पाल होठ सूख रहे पूरे, पानी दीपक पानी लेके आई हूँ। अभी पापा मम्मी जस्ट अभी 10 मिनट पहले गए हैं, उससे हो रहा था तबीयत का, पेट भी बैठा भी नहीं जा रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खिड़की खोल दूं? हवा हवा खानी है क्या? बाहर लेके चलो बालकनी में, और छत पे चलो क्या? छत पे कैसे चलेगी? क्या घबराहट हो रही है आपको? पीले पकड़ पानी पी, खिड़की खोल लेते, नींबू पानी पियोगे? पानी पी, पानी नींबू पानी। चीकू के पापा को उठाऊं? नहीं नहीं, वो सुबह से उठे हुए हैं गोलू 6 बजे से। नितिन का यार, नितिन भैया चंडीगढ़ गए हुए हैं, हुडा भैया भी नहीं है, जग्गा भैया छुट्टी पर है। यार और किसी, तुम मेरे गाड़ी चलानी भी नहीं आती, मैं बुठा देती हूँ, कोई बात नहीं इनको। नहीं नहीं बोलू यार, अभी अभी पापा मम्मी गए, कन्नू की गाड़ी थी तब तक तो ठीक थी। एक काम करना, पानी तो पी है पायल, थोड़ा सा पानी पी लो पहले, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुझे देख के तो मुझे मेरी तबीयत खराब से लगने लग जाती है। पानी तो पी बाबू, रियायत के बरोली बैठी हुई है ना, ठीक है कर लो पहले। डॉक्टर को कॉल करूँ? नूपुर मम के पास चले, बीपी तो नहीं लो गया? नहीं बुखार नहीं है, खांसी की वजह से भी हो रहा है। एक बार पूछूं क्या हॉस्पिटल में? नूपुर मैम को पूछ, इससे सांस क्यों आ रही थी इतनी? पानी पी, पानी तो पी, पानी नींबू पानी बनवा दूं, लिमका मंगवा दूं, चीनी पानी का घोल ला दे जो जला दे। हाँ जी मैं कृतिका बोल रही हूँ। हाँ जी मैं नूपुर मैम बैठी हुई है क्या? अच्छा कोई और वैसे गायनी बैठी है, वो पायल को थोड़ा ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं गायनी के डॉक्टर तो इस टाइम कोई नहीं है, ड्यूटी डॉक्टर है, अगर प्रॉब्लम है तो आप ले आओ मैम को। चलो ठीक है ठीक है ठीक है मैम, ओके। वो कह रहे नूपुर मैम नहीं है, बट आज वैसे ड्यूटी वाले डॉक्टर तो होते हैं, ड्यूटी डॉक्टर तो है। गायनी मना कर रहे, गायनी नहीं है, मैं इनको उठा देती हूँ, पायल बोलेंगे यार। नहीं अभी बोलू तो अभी सोए थोड़ी देर पहले, काम कर, चीनी पानी का घोल एक ला दे दीपक, मूवमेंट हो रही है? हाँ मूवमेंट तो हो रही है। दवाइयाँ खाइए, एसिडिटी सब कुछ खाइए। 5 बजे खाई है मैंने आज दवाई। आपको भी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना? मेरे को तो 9वें महीने मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मेरे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। 9वें महीने में हो रहा था, मेरी बहुत हालत खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा। 9वां महीना शुरू होते ही फिर 9 मंथ स्टार्ट हो गया। नहीं कितना टाइम है? 34 वीक्स 6 डे का मतलब एक हफ्ता बच्चा अभी तो। ये ले पानी, चीनी पानी का घोल, इसको छोड़ पी के देख। बीपी लो हो रहा है, उस वजह से सांस की हो रही है। यार लापरवाही मत कर यार पायल, चल मैं अभी इनको उठा देती हूँ। मूवमेंट तो हो रही है, देख मूवमेंट पता चल रही है मुझे, मूवमेंट तो हो रही है। पानी तो पी पायल, हिम्मत थोड़ी कर बेटा। हाँ गर्मी लग रही है बहुत, एसी चला दे। पायल मुझे नहीं लगता तेरे दिन निकलेंगे, कितने 18 दिन बचे हैं? 17 पता नहीं अभी, 17-18 दिन बचे हैं, नहीं निकलेंगे पायल, मुश्किल हो रहा है। एक बार मैं कह रही हूँ, मैं चीकू के पापा को उठाती हूँ, एक बार गायनी है कोई भी बैठा हो ड्यूटी डॉक्टर। गर्मी लग रही है, गोली एसी, मेरे को टेंशन सी हो रही है। दीपक एसी चलाई हो यार, चीनी पानी से भी कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं चल फिर के देख के आप पता सही लगे। हवा खोल, हवा ले ले बाहर की, खिड़की खोल दे। वाले सेम वही हो रहा है, मुझे हो रहा था, मैं तो कोई याद है जब सुबह हॉस्पिटल भागी थी। मेरे को दर्द नहीं हो रहा गोलू, मेरे को सांस में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द भी नहीं हो रहा यार। मैं भी ठीक नहीं हूँ यार, मैं जिसको संभाल सकूँ, मैं भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दर्द नहीं हो रहा कहीं, घबराहट सी हो रही है। मेरे को लेट ना, लेट लेट टू लेट, पैर सीधे कर ली। मैं एक बार इनको देख कर आऊँ क्या? कमरे से है नहीं, अभी थोड़ी देर में गोलू उठ जाएंगे, इनको मत तंग कर। क्या बताऊँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा, खट बोल रहा हूँ चादर वदर। नहीं घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं, एसी चल रहा है ना अभी? हमारे पास वो भी नहीं है ना, बीपी कुछ पल्स चेक करने को। दीपक इसे पैर दबाएगा, पानी ले ले, पानी थोड़ा नॉन ठंडा पानी है, सही रहेगा, पी के देख। बर्फ डाल के दे दे, सर पे ना चढ़ जाए ठंडा। लापरवाही मत कर, चल ले एक बार, डॉक्टर नहीं है गोलू क्या? ड्यूटी डॉक्टर भी तो होते हैं, मैं ही नहीं घर में, सब चले गए। मेरे को बोलेंगे कि तुम मेरे को नहीं उठाया, ये वो है, अभी सहन हो रहा है मेरे से, सहन नहीं हो रहा। मैं बोल दूँ उठा दे, ये बर्फ डाल दी पानी पी थोड़े से। नींबू पानी ग्लूकोज पानी कुछ पीना आ रहा है इस बार तेरी तबीयत? बस घबराहट नहीं हो रही, बस सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मेरे को दवाइयों से अंदर गर्मी गर्माश हो गई शायद, क्योंकि मैंने एक साथ दवाइयाँ ले ली ना सारी, खांसी वाली भी ले ली सारी, और आयरन वगैरह जो मेरी चल रही थी वो सारी एक गुच्छा बना के खा लिया, मैंने गलती कर दी शायद, उसी से मेरे सांस में दिक्कत हो रही है। सच में गाइस ट्विन प्रेगनेंसी को मैनेज करना
बहुत 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 ज्यादा बड़ी बात है, इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना। लास्ट टाइम मेरे को मेरा याद है, जो बंदा जो चीजें फेस करता है ना खुद वो बता सकता है। जब लास्ट टाइम मेरा चल रहा था ना, 9वें महीने स्टार्ट हुआ था, तो मुझे वॉशरूम का प्रेशर इतना आता था क्योंकि बिल्कुल ना नीचे बाहर पड़ गया था। तो पायल का तो डबल प्रेशर है और सच में मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मम्मा की तबीयत खराब हो रही है, मम्मा सांस नहीं आ रहा, पूछ जल्दी पूछो क्या हुआ। भैया मैं इतनी देर से आपका वेट कर रही थी यार, आप चंडीगढ़ गए हुए थे, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, इसको सांस नहीं आ रहा, क्योंकि पापा को उठा नहीं रही है। चल पायल भैया आ गए, चल। डॉक्टर नहीं है भैया, फोन कर लिया, कहीं और चल दें, और कहीं थोड़ी जा सकते हैं, ड्यूटी डॉक्टर तो होते हैं पायल, सांस की दिक्कत है बोलो और कुछ है। अच्छा एक बात बता, मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैंने वेट करा नहीं करा ना, मैंने बोला ना मुझे एडमिट होना ले चलो मैं, पर मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ ना, बोलो कब से 2 तारीख को अल्ट्रासाउंड कल करवा ली, अल्ट्रासाउंड में अगर बेबी का वेट ठीक आया ना करूँ, कम से कम 2.5 किलो के तो होने चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, 2 किलो के बच्चे नहीं पालना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। निकू में रखेंगे 10-15 दिन, सही बात है। मैं अगर चल कोई नहीं, मेरे को झेलना पड़ रहा है, बच्चों को दोनों झेलना पड़े, सही बात है। तो पहले अल्ट्रासाउंड कराऊंगी कल, अगर अल्ट्रासाउंड में सब सही रहा परसों जाके या कल ही एडमिशन। पायल और गोलू ने मुझे उठाया नहीं, बहुत सारी चीजें झगड़ा हुआ घर में इस बात को लेके, ये थोड़ी है कि मैं सोता रहूं पीछे से कुछ भी होता रहे, मैं बहुत ही बीच में से टाइम निकाल के सो रहा हूं। चीजें हैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रखी हैं, चीजें हैं, काम है, ब्लॉग है, सोच रहा हूं कुछ दिन के लिए ब्लॉग बंद कर दूं और प्रॉपर पायल का ध्यान रखूं सोना वोना छोड़ के। अभी लग रहा है मुझे कि ऑक्सीजन लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि ना पायल को थोड़ी ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है ना, ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर, मेरे हॉस्पिटल में जाने का मन नहीं है अभी, 8वें का एक हफ्ता रह गया गुड्डू, मैं अभी नहीं हॉस्पिटल एडमिट हो सकती, अभी 9वां लगा भी नहीं है, 9वां लगते करा दूंगा फिर प्रेगनेंसी, याद रखना मत करना इतने स्ट्रेस क्यों ले रही है, 8वें के बाद हो जाती है भाई प्रेगनेंसी, ठीक है पर 8वां तो पूरा हो जाए। कितने दिन पड़े 8वें के? 8वें के पड़े 8 दिन, ऊपर वाले से दुआ करो कि 8 दिन बहुत अच्छे से निकल जाए लड़की।